दोस्तों माँ बनने का सपना तो हर लड़की का होता है, फिर चाहे वो कोई आम लड़की हो या बॉलीवुड एक्ट्रेस। लेकिन ये सपना अगर शादी से पहले पूरा हो जाए तो लड़की कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाती, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ, जिसके बाद मजबूरन उन्हें अपनी जिंदगी उस इंसान के नाम करनी पड़ी जिसका बच्चा उनके पेट में था। नंबर एक, कोंकणा सेन शर्मा। कोंकणा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपना किरदार बखूबी निभाया है, लेकिन ये चर्चा में तब आई जब इन्होंने रणवीर शौरी से शादी कर ली और शादी के बाद पांचवें महीने में ही इनको बच्चा हो गया। और जब ये बात सभी लोगों के सामने आई तब ये पता चला कि ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली थी। फिलहाल इन दोनों का तलाक हो चुका है। नंबर दो, श्रीदेवी। श्रीदेवी भी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी क्योंकि इनका बोनी कपूर के साथ 3 साल से अफेयर चल रहा था, और जब ये प्रेग्नेंट हुई तो बहुत ही जल्दी बोनी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर ली। नंबर तीन पर आती है महिमा चौधरी। महिमा चौधरी को बॉलीवुड में कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन माना जाता है। उनका नाम बहुत बार सुभाष घई के साथ जोड़ा गया तो बहुत बार काला धन के साथ। जब उन्होंने बॉबी मुखर्जी के साथ शादी की तब ये बात सामने आई थी कि वे शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। अब उनकी बच्ची काफी बड़ी हो गई है। नंबर चार, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ का अफेयर सलमान खान और रणवीर कपूर जैसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब कैटरीना को अबॉर्शन कराते हुए 3 से 4 बार स्पॉट किया गया और बाद में साफ हो गया कि वो प्रेग्नेंट थी। कैटरीना के पेट में किस हीरो का बच्चा था ये अब तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि कैटरीना के बच्चे का बाप कौन था, सलमान, रणवीर या कोई और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।